गाड़ियों की आवाज के बीच रात का घना अंधेरा और क्लब की चमकती हुई लाइट्स एक शानदार नजारा दिखा रही थी। टीना अपनी ही बैचलर पार्टी से निकल रही थी। ये बैचलर पार्टी उसने अपनी दोस्तों को अचानक से इसीलिए दी थी क्योंकि ये उसकी बैचलर जिंदगी की आखिरी रात थी, क्योंकि कल वो शादी करने जा रही थी। टीना खूबसूरती की मलिका और अपने जीरो फिगर से लड़कियों को कॉम्प्लेक्स देने वाली एक नायाब परी सी दिख रही थी। भगवान ने भी शायद उसे पूरी फुर्सत में बनाया होगा। मॉडलिंग की फील्ड में भी उसके लुक्स बाकी मॉडल्स को नीचा दिखाते थे। शादी की खुशी और दोस्तों की संगति में आज टीना ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो नशे के कारण लड़खड़ा रही थी। अच्छा था कि प्रणय ही उसे लेकर निकला था और उसका होने वाला पति होने के नाते टीना को अपार्टमेंट में ले जाकर बेड पर लिटाने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जल्द ही टीना नींद के आगोश में डूब गई थी। टीना ने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की। उसकी भारी हो रही पलकों को खोलने की कोशिश करते हुए उसने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। आंखें खोलने के बाद तो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उस मध्यम रोशनी में अपनी आधी खुली पलकों से देखने के बाद उसे समझ आया कि वो प्रणय के अपार्टमेंट में है। उसको सब याद आने लगा, उसका दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेना और प्रणय का उसे लड़खड़ाती हालत में यहाँ लेकर आना, सब कुछ। क्या इसीलिए प्रणय उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था? शरारत भरी मुस्कान के साथ सोचते हुए टीना ने कमरे में उस आवाज के सोर्स को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाई जिनके कारण उसकी नींद खुली थी। मध्यम लाइट के नीचे उसे एक लड़का और लड़की पैशन के साथ किस करते हुए दिखे। ये देखकर मानो जैसे टीना पर बिजली ही गिर गई। उन दोनों को इस तरह देखते ही उसे शौक से मानो लकवा ही मार गया। टीना उन दोनों को शौक से देख रही थी जब वो दोनों एक दूसरे में खोकर पैशन के साथ किस कर रहे थे। प्रणय के हाथ यूसुफा की कमर पर यूं लिपटे थे मानो वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। प्रणय, हाँ वो ही प्रणय था जो कल उससे शादी करने वाला था। और यूसुफा, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वो कलीग थी जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। ये सब देखकर उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। क्या ये सच में प्रणय है? टीना को कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। बस भी करो, टीना जाग जाएगी, प्रणय यूसुफा से बोला। यूसुफा ने उसे और टाइट हग करते हुए कहा, वो कल से तुम्हारी वाइफ बनेगी और आज से ही तुम उससे डर रहे हो। प्रणय उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसके करीब आता हुआ बोला, डार्लिंग हम दूसरे कमरे में चलते हैं, टीना जाग गई तो इशू हो जाएगा। उसकी मदहोशी बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोते हुए वहां से चले गए और बेड पर लेटी टीना उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देख नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही टीना की आंखें बंद थी लेकिन उसके कान खुले हुए थे और उन दोनों की तेज सांसों से लेकर वो उनकी हर बात सुन पा रही थी। जब यूसुफा की आवाज उसके कानों से टकराई, नहीं प्रणय, मैं ये नहीं करना चाहती हूं उसके सामने। उन दोनों के होठों के मिलने से आ रही आवाज वो सहन नहीं कर पाई और उसने आंखें खोलकर देखने का साहस किया तो पाया यूसुफा प्रणय के कपड़ों को उसके शरीर से दूर कर रही थी। ये उसकी सहन शक्ति के बाहर था। ये सब देखकर उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें झलक पड़ी। प्रणय जो कि कल सुबह उससे शादी करने वाला था, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? और यूसुफा, कैसे यूसुफा उसके सामने ही प्रणय के साथ हम बिस्तर होना चाहती थी? वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? टीना ने तो कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा उसकी हेल्प ही की थी। और प्रणय, उसे तो टीना ने टूट कर चाहा था, उसके लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, क्या सिर्फ इसी धोखे के लिए? उसका दिल एकदम टूट सा गया था। या नहीं, प्रणय यूसुफा से रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, कम से कम बाथरूम में चलते हैं, वैसे भी बाथटब तुम्हारी फेवरेट प्लेस है ना? यूसुफा के शरीर को अपने हाथों से खींचता हुआ प्रणय उसे खींचने लगा। ठीक है, तुम बाथटब भरो, मैं बस अभी आई, यूसुफा ने प्रणय को शरारती नजरों से देखते हुए धक्का देकर कहा। प्रणय के जाते ही वो बेड के पास आई जहां टीना ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख
अभी अभी आंखें बंद की थी। वो बेड पर आई और टीना के पास झुक कर फुसफुसाई, क्या कल प्रणय के साथ शादी के सपने में खोए हो? भूल जाओ कि प्रणय कभी तुम्हारा होगा, प्रणय हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। अरे हाँ, क्या तुम्हें खुशखबरी पता है? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें तो आइडिया लग ही गया होगा इस बच्चे का बाप कौन है। और कौन? अपना प्रणय। उप्स, यानी मेरा प्रणय। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि प्रणय तुम्हारा हो पाएगा? यूसुफा अपने अंदर के गुस्से को दबाने के लिए दांत पीस रही थी, लेकिन उसकी बातों में जहरीली हंसी मिली हुई सी लग रही थी, जैसे वो टीना को अपनी बातों से ही मार डालना चाहती हो। यूसुफा के बाथरूम की तरफ जाने की कुछ देर बाद ही बाथरूम से आने वाली तेज आवाजों से टीना का दिल डूब ही गया। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ये सब देखकर वो भी इतनी दुखी हो गई होती। वो लड़का जो उससे अगले कुछ ही घंटों में शादी करने वाला हो, वो इतना बुरा कैसे हो सकता था? आखिर कैसे वो टीना की हर कोशिश को बेकार कर सकता था? उसके उन सारे सपनों का क्या होगा जिनमें वो शादी के बाद प्रणय का जीवन संभाल रही थी? उन दोनों के बच्चे हो रहे थे और जीवन में खुशी के पल आ रहे थे, लेकिन अब तो वो सब एक चुटकी में धूल में मिल गए थे। एक रात में ही उसका सब कुछ उसके पास से चला गया था। 3 साल पहले वो इंडस्ट्री की टॉप मॉडल थी, लेकिन उसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना प्लेस सब यूसुफा को दे डाला, वो भी प्रणय के एक बार कहने पर ही। आज वही यूसुफा उससे प्रणय को भी छीन चुकी थी। पर प्रणय, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? टीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी 2 सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने उसे इस सिचुएशन में पहुंचाया था, वो थी सबको अपनी तरह अच्छा समझना, और उससे भी बड़ी गलती थी आंख मूंद कर प्रणय पर विश्वास करना। लेकिन अब नहीं, अब वो स्वयं को ऐसे हर्ट नहीं होने देगी। लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, टीना ने अपने आप से कहा। ये सब सपना है, जब नींद खुलेगी तो ये सब उसके दिमाग से गायब हो चुका होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन प्रणय के लिए उसका प्यार उसे ये बात मानने नहीं दे सकता था। उसने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण ये उल्टा सपना देखा है, लेकिन यूसुफा का चैलेंजिंग चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था और उसके कहे वो शब्द टीना के मन में घूम रहे थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है प्रणय तुम्हारा हो पाएगा? टीना बाथरूम से नहाकर निकली, तभी दूसरे कमरे से प्रणय आता हुआ दिखा। टीना ने सिल्क की शानदार साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो एकदम देवी जैसी लग रही थी। उसे देखते हुए प्रणय के चेहरे के रंग आते जाते से लगे, और एक गिल्ट भरी मुस्कान उसके चेहरे पर छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है टीना, प्रणय उसको देखते हुए बोला। यूसुफा कुछ तो करेगी, लेकिन क्या? ये समझने का प्रयास करती टीना जल्दी ही तैयार हुई और प्रणय के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल पड़ी। लेकिन तभी प्रणय का फोन बजा और स्क्रीन पर यूसुफा का नाम फ्लैश हुआ। प्रणय ने तुरंत कॉल रिसीव की, तभी उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। प्रणय, मैं बाथरूम से फिसल गई हूँ और बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सुनकर प्रणय परेशान उठा। उसने टीना को रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने को कहा और खुद यूसुफा के अपार्टमेंट के लिए निकल गया। टीना, जो ये मानकर खुश थी कि कुछ ही समय में वो शादी करने जा रही है, लेकिन उसके लिए ये शॉक बहुत ही डिफिकल्ट था। क्या हुआ? उसने कुछ देर में कॉल करके प्रणय से पूछा। कितनी देर में आ रहे हो तुम? यूसुफा के पैर में चोट लग गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्रणय परेशानी भरी आवाज में बोला। अभी सिचुएशन सही नहीं है, आई थिंक हमें शादी किसी और दिन करनी होगी। टीना आश्चर्य में पड़ गई। किसी और के लिए वो अपनी शादी तक छोड़ रहा है? मतलब यही है कि प्रणय के लिए उसकी अहमियत यूसुफा से कम है। टीना फोन करने से पहले 2 घंटे इंतजार कर चुकी थी। किसी और दिन? उसका कोई चांस ही नहीं, टीना ने झुंझलाते हुए खुद से कहा। वो बहुत उदास हो गई थी, उसे बहुत दुख हो रहा था। वो जैसे ही घर जाने के लिए निकलने को हुई
कि तभी उसकी नजर एक हैंडसम लड़के पर पड़ी। उस लंबे और हैंडसम लड़के ने नीले रंग का शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, जिसमें उसका शानदार व्यक्तित्व और खिलकर नजर आ रहा था। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अचानक टीना शॉक में पड़ गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, रणविजय रावत था, आरआर एंटरटेनमेंट का सीईओ। टीना जब फेमस थी तब एक बार उससे किसी अवार्ड फंक्शन में मिली थी। इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं था जो इस इंडस्ट्री के किंग को ना जानता हो। वो यहां क्यों आया होगा? अभी टीना के मन में ये चल ही रहा था कि तभी रणविजय का असिस्टेंट उसके पास आया और उसकी आवाज टीना को सुनाई देने लगी। सर, रूही फोन नहीं उठा रही है और ना ही वो अभी तक यहां आई है। रणविजय के चेहरे पर कुछ परेशानी सी दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी आवाज में एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसे कॉन्टैक्ट करो और कहो कि अगर वो 10 मिनट में यहां नहीं आई तो उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट हिचकिचाया, फिर उसने रणविजय को कहा, सर एक्चुअली उसने मैसेज किया है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो उसके साथ जा रही है और वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। रणविजय ये सब सुनकर बोला, हाँ कोई बात नहीं, इट्स हर लॉस। रणविजय गुर्राया, तुम्हारे पास आधा घंटा है, कोई भी लड़की ढूंढ कर लाओ, शादी तो मैं आज ही करूंगा। असिस्टेंट ये सुनकर चक्कर में आ गया। आधे घंटे में लड़की को ढूंढना और उसे रणविजय से शादी करने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अपनी चक्कर खाते मन में ये सोचते हुए वो जल्दी से फोन पर किसी का नंबर मिलाने लगा। रणविजय भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग था, उसके आगे बड़े बड़े मॉडल्स, एक्टर्स, प्रभावशाली लोग सब झुके हुए से नजर आते थे, लेकिन इस सिचुएशन में वो भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसके परिवार का उस पर लगातार दबाव बना हुआ था कि वो शादी कर ले, यहां तक कि एक अमीर परिवार की लड़की से शादी के लिए वो उसे बहुत फोर्स कर रहे थे। रणविजय को जितना अपने काम से प्यार था, उसका 1% भी किसी लड़की से नहीं था। वैसे भी वो अपने परिवार द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट की हेल्प से एक लड़की से शादी करने का प्लान किया था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका प्लान ऐसे फेल हो जाएगा। रणविजय की पोजीशन और इंडस्ट्री में इस पोजीशन के कारण हजारों लड़कियां उसके पीछे पागल थी और उसके एक इशारे पर बिच जाने को तैयार हो जाती, हजारों झूठ बोलने को तैयार हो जाती। अचानक वहां खड़ी टीना के मन में एक आइडिया आया और उसने आगे बढ़कर उस आइडिया को पूरा करने का निर्णय किया। वो अचानक रणविजय के सामने पहुंची और बोली, हेलो रणविजय जी, आप जिस लड़की से शादी करने आए हैं वो यहां नहीं आई, और मैं जिस लड़की से शादी करने वाली थी वो भी यहां नहीं आया है। हम दोनों की सिचुएशन सेम ही है, फिर क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें? रणविजय का असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो गया। इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? ऐसा सोचते हुए उसके पैर जैसे वहीं जम गए। रणविजय एक सेकंड के लिए हड़बड़ाया और फिर होश में वापस आकर बोला, तो तुम कह रहे हो क्या हम शादी कर सकते हैं? उसने अपनी ग्लासेस उतार दी और टीना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, मानो अपनी आंखों से उसका एक्सरे कर रहा हो। एक मिनट बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए 1 मिनट के अंदर। उसका असिस्टेंट टीना को पहचानता था। उसने तुरंत ही एक गूगल सर्च किया और सारी फाइंडिंग्स रणविजय को दिखाई। सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद रणविजय ने अपने होंठ को काटते हुए कहा, लेट्स गेट मैरिड। प्रणय ने उसके प्यार का ऐसे मजाक उड़ाया था जिससे टीना बहुत दुखी थी। बाकी लड़कियों की तरह टीना खुद को कमजोर और इमोशनल नहीं समझती थी, पर प्रणय के धोखे से वो टूट सी गई थी। हालांकि उसके धोखे ने उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी थी जिससे वो प्रणय से बदला ले सकती थी, वो भी एक नए तरीके से। उन दोनों का मैरिज प्रोसीजर बहुत जल्दी निपट गया। आधे घंटे में ही उसे रणविजय की पत्नी घोषित कर दिया गया। अगले 20 मिनट में उनके हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अब टीना ऑफिशियली टीना रणविजय रावत बन चुकी थी। क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? सब निपट जाने के बाद टीना रणविजय से बोली, हम कार में पहुंचने की बात करें तो अच्छा होगा। अपनी ग्लासेस आंखों पर चढ़ाता हुआ रणविजय बोला और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर निकल गया। टीना जल्दी जल्दी उसके पीछे गई और बाहर खड़ी शानदार रोल्स रॉयस में बैठ गई।
इससे पहले कि वो कुछ कहती, रणवीर उसकी ओर घूमा और बोला, थैंक यू फॉर मैरिंग मी। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहना जारी रखा, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम बता सकते हो, हो सकता है मैं वो तुरंत ही अरेंज करवा दूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, टीना हिचकिचाते हुए बोली, बस मेरी दो शर्तें हैं और मुझे लगता है आप उनमें मेरा साथ देंगे। रणवीर कुछ शांति के साथ कार में आराम से बैठते हुए बोला, बेहिचक कहो क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि जब तक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपको बताना ही पड़े, तब तक प्लीज आप हमारी शादी को पब्लिक नहीं करेंगे, टीना होट जब आती हुई सी बोली। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल नहीं देंगे। चिंता मत करिए रणवीर जी, रणवीर को परेशान होता देख टीना बोली, आप आज से मेरे पति हैं और आप मेरे साथ रहें या नहीं, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो किसी और आदमी के पास जाने की बात ही क्यों ना हो। रणवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कार का एसी ऑन करता हुआ बोला, तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है, तब तक तुम अपने सारे पर्सनल मैटर निपटा सकती हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। उसके बाद हम इस शादी का अनाउंसमेंट सबके सामने करेंगे और एक ग्रैंड मैनर में रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे। थैंक्स, टीना खुश होते हुए बोली, टीना भी यही चाहती थी। लेकिन क्योंकि अब हम शादीशुदा हैं, हम अकेले नहीं रहेंगे, तुम बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी नहीं जाओगी और तुम्हारे पास 3 दिन है, तब तक तुम्हें जो भी साथ लेकर आना है ले आओ, रणवीर ने टीना से कहा। हालांकि वो दोनों शादीशुदा थी, फिर भी रणवीर की ऐसी बात टीना को जस्टिफाइड लगी और उसने बिना वक्त गवाए कहा, ओके। जब दोनों ने एक दूसरे की शर्तें स्वीकार कर ली तो टीना कार से उतरी और एक तरफ बढ़ गई। कार में फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए ड्राइवर सीट पर बैठे रणवीर के असिस्टेंट ने कहा, अब आप क्या करना चाहेंगे सर, अब आप ऑफिस जाएंगे या अपने बंगले पर चलकर अपने परिवार को इस शादी के बारे में बताना चाहेंगे? तुम इस टीना का पीछा करो और इसकी हर एक मूवमेंट की खबर मुझ तक पहुंचाते रहो, रणवीर उस दिशा में देखते हुए बोला जहां टीना गई थी। मैं देखता हूं मुझे क्या करना है, इतना बोलकर वो कार से उतर गया। वो अचानक से आई इस लड़की से शादी को तो तैयार हो गया था, लेकिन बाद में सोचने पर उसे लगा कि इस लड़की का कोई ना कोई छिपा हुआ एजेंडा जरूर होगा। अभी रणवीर को समझ नहीं आ रहा था क्या क्या था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ था। जहां तक उसे अब याद आ रहा था, उसने टीना के बारे में 3 साल पहले बहुत कुछ सुन रखा था। 3 साल पहले वो एक सेलिब्रिटी मॉडल थी जिसने सभी को पीछे छोड़ रखा था, लेकिन अचानक ही उसने कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों के ऑफर ठुकराने शुरू किए, जिसके कारण उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। बाद में खबर आई कि उसने प्रणय की छोटी सी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री हैरान हुई थी कि उसने इतनी बड़ी कंपनियों को छोड़कर इस छोटी सी कंपनी को क्यों ज्वाइन किया।